हेलो फ्रेंड्स, फिर से हम एक फूल और कलियों वाला पायदान बनाएंगे बिल्कुल ही विस्तार से। तो देखिए, इस तरह की यह कलियाँ दिख रही हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। मैंने इसे दो कलर में बनाया है, आप चाहे तो मल्टी कलर में भी इसे बना सकते हो, यानी कि कलिया को। तो देखिए कितनी खूबसूरत यहाँ पर यह लग रहा है। और ये डोरमेट आप आज थालपुष की तरह भी यूज कर सकते हो, टेबल मैट की तरह भी यूज कर सकते हो, या किसी पूजा विधि में भी इसे यूज कर सकते हो। तो देखिए इस तरह से है, और इसे मैंने ऊन से बनाया है। आप चाहे तो पुराने साड़ी से या चुन्नी से भी इसे आराम से बना सकते हो। मैंने कुल मिलाकर ये डोरमेट 30 फंदे से बनाए हैं, आप इसे ज्यादा भी बना सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये डोरमेट अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करना भी ना भूलिएगा। तो यहाँ पर मैंने 6 नंबर की स्टिक ली है, और ये बेबी वूल है तो इसे मैंने 3 धागों में एक साथ ही नॉट बांध के इसे कुछ इस तरह से स्टिक में डाला है। तो ये देखिए इस तरह से हमने कितने 30 फंदे यहाँ पर लेने हैं। आप चाहे तो 40 या 50 भी ले सकते हो, दो दो से फंदे करके हमें इसे बढ़ाना है। तो ये देखिए मैं यहाँ पर कुछ व्हाइट कलर के धागे से 30 फंदे यहाँ पर ले रही हूँ। इसी तरह से जैसे कि हम बेसिक से फंदे लेते हैं, सेम उसी तरह से हैं। तो ये देखिए इस तरह से हम जो है 30 फंदे यहाँ पर लगा लेंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर मैं 30 फंदे लगा लेती हूँ, और ये देखिए ये मैंने 30 फंदे यहाँ पर डाल दिए हैं। अब हम सेकंड स्टिक को लेंगे। जिस तरह हम हर डोरमेट बुनते हैं, सेम उसी तरह से बुनते हुए इसे भी नीचे की तरफ जाना है। ये देखिए स्टिक को इस तरह से डालना है, धागे को लपेटना है और नीचे से निकाल लेना है, और ये स्टिक को भी निकाल लेना है। सेम उसी तरह से स्टिक को नीचे से डालना है, धागे को लपेटना है और नीचे से निकाल लेना है। ये देखिए इस तरह से। तो सभी को फंदे को बुनते हुए हमें क्या करना है, सेम टू सेम नीचे की तरफ जाना है। लेकिन यह सर्कल डोर मैट है तो इसका एक बेसिक सा रूल होता है कि नीचे से हमने कुछ नॉट छोड़ने होते हैं, यानी कि बिना बुने ही हम नीचे से 2 नॉट करके छोड़ देंगे, वो भी मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो ये हमें हर रो में करना है, नीचे से 2 नॉट छोड़ेंगे हम। बेसिकली ऊपर से बुनते हुए नीचे की तरफ जाएंगे और नीचे से बिना बुने 2 नॉट छोड़ देंगे। तो मैं यहाँ तक इसे बुन लेती हूँ 2 नॉट छोड़ते हुए। ये देखिए मैंने सभी नॉट को बुना, लेकिन ये 2 नॉट जो है लास्ट वाले इसे नहीं बुनेंगे, बल्कि दोनों स्टिक में से धागे को पीछे की तरफ करेंगे। और हम पीछे की साइड में हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं बुनते हुए, तभी वही पर हम क्या करेंगे, इस तरह का ग्रीन धागा जो है ज्वाइन करेंगे, और यहाँ पर जो है 12 नॉट जो है वो ग्रीन कलर के धागे से हम बना लेंगे। देखिए इस तरह से, ये कितनी सेकेंड थर्ड, इस तरह से हम कितने 12 नॉट यहाँ पर लगाएंगे, 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो ये देखिए इस तरह से हमने जो है 12 नॉट ग्रीन धागे से बुनने हैं, और फिर हम क्या करेंगे, ऊपर वाले जो है वाइट धागे से जैसे कि वैसे एज इट इज बुनते हुए ऊपर की तरफ चले जाएंगे। तो सभी जो वाइट नॉट दिखाई दे रहे हैं स्टिक में, इनको सबको बुनते हुए मैं ऊपर की तरफ जाती हूँ। तो ये देखिए सभी मैंने बुन लिए हैं, और फिर से हम क्या करेंगे, सेम टू सेम ऊपर से नीचे की तरफ बुनते हुए चले जाएंगे। जिस तरह से हमने फर्स्ट रो में भी बुना है, सेम उसी तरह से व्हाइट नॉट तक मैं यहाँ पर व्हाइट धागे से बुन लेती हूँ। ये देखिए सभी व्हाइट धागे को, नॉट को मैंने बुन लिया, व्हाइट धागे को पीछे की तरफ कर लेंगे और एक ग्रीन वाले धागे को आगे की तरफ कर लेंगे। अब बचे हुए ग्रीन जो नॉट है वो ग्रीन धागे से ही बुनेंगे हम। तो ये देखिए फिर से सभी ग्रीन नॉट नहीं बुनने हमें, बल्कि नीचे से फिर से 2 नॉट हमने बिना बुने ही छोड़ देने हैं। ये हर रो में हमें करना ही करना है, जब तक कि हमारे सभी नॉट यहाँ पर ख़त्म ना हो जाए तब तक हमें इसे बुनते जाना है। तो ये देखिए नीचे से फिर से मैंने क्या किया, ये देखिए नीचे तक बुना मैंने, और नीचे से ये 2 नॉट जो है, ये फर्स्ट रो के और ये सेकेंड रो के 2 ग्रीन, ये देखिए इसे हम फिर से पीछे की तरफ चले जाएंगे। तो ये देखिए पीछे की साइड में आ चुकी हूँ, और पीछे की साइड फिर से हम क्या करेंगे, बुनते हुए ऊपर की तरफ चले जाएंगे। सिंपल है। लेकिन ये हम सेकेंड रो बुन रहे हैं,
तो हम क्या करेंगे, एक जो ग्रीन नट जो है अब वो व्हाइट में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि एक ग्रीन नट जो है हम इस बारी लेस करेंगे। तो ये देखिए, नीचे से मैंने 12 नॉट 3 ग्रीन के नीचे से दो छोड़ दिए, मैंने 10 मेरे पास बचे थे और 10 में से जो एक था ये लास्ट वाला, ये देखिए इसे हम ग्रीन धागे से नहीं बल्कि व्हाइट धागे से बुनेंगे, ये देखिए इस तरह से। और जो व्हाइट जो नॉट है ऊपर के सेम टू सेम उसी तरह से ही बुनेंगे। तो ये हमारी जो है सेकेंड रो हो चुकी है। ये देखिए एक धागा हमने यहाँ पर कम किया है, नीचे की तरफ आ चुका है। और फिर से हम क्या करेंगे, व्हाइट जो नॉट है वो व्हाइट तक बुनेंगे और मैं यहाँ पर इसे यहाँ तक बुन लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने ये बुन लिया। फिर से हम क्या करेंगे, ग्रीन धागे को आगे की तरफ करेंगे, व्हाइट को पीछे की तरफ। फिर से ये सभी ग्रीन नॉट जो है बुनते हुए नीचे की तरफ आएंगे और दो नॉट नीचे से छोड़ देंगे, यानी कि कुल मिलाकर इस रो में हम कितने नॉट छोड़ेंगे नीचे से, 4 ग्रीन नॉट यहाँ पर, 4 ग्रीन नॉट यहाँ पर छोड़ देंगे लगभग। तो ये हर बारी करना है हमें, छोड़े हुए नॉट में से भी जो जितने बचे स्टिक में उतने दो दो करके छोड़ने हैं। ये देखिए ये फर्स्ट रो के और ये सेकेंड रो के। तो ये देखिए ये इसे धागे को हमने पीछे की तरफ पलट लिया है। अब पीछे की तरफ पलटते हुए और ऊपर की तरफ बुनते जाते हुए हमने क्या किया था अभी रिसेंटली पीछे वाली रो में, सेकेंड रो में, कि एक नॉट जो है हमने व्हाइट में कन्वर्ट किया था। लेकिन अब हम थर्ड रो में क्या करेंगे, जो 4 नॉट है ऊपर व्हाइट कलर के उसे हम ग्रीन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये देखिए ये 1 और ये 2 3 और ये एक और लेंगे 4। तो ये देखिए 4 नॉट यहाँ पर मैंने व्हाइट में लगा लिए है। ये देखिए इस तरह के ये डिज़ाइन दिखाई देगी और ऊपर के नॉट जो है व्हाइट वाले वो व्हाइट में ही बुन लेंगे हम ऊपर तक। तो ये देखिए इसे कुछ इस तरह का ये दिखाई देगा। तो अब फिर से हम क्या करेंगे, ये देखिए मैं ऊपर से बुनते हुए नीचे की तरफ आई, व्हाइट वाले व्हाइट में बुने, ग्रीन वाले ग्रीन में बुने और नीचे से दो ग्रीन नॉट फिर से मैंने छोड़ दिए हैं, 6 ग्रीन नॉट छोड़ दिए हैं। अब पीछे की साइड में क्या कर रही हूँ, पूरे के पूरे ग्रीन जितने भी नॉट बचे हैं उस सभी को मैंने क्या करना है, अब हमें व्हाइट में बुन लेना है। ये देखिए ऐसे भी मैं डाल दूँगी और ये सभी जो ग्रीन नॉट है इसे हम फिर से हम व्हाइट में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये देखिए मैं रो टू रो आपको समझा रही हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो चुकी है, लेकिन एंड तक ज़रूर देखिएगा तभी आपको ये समझ में आ जाएगी। और आप अगर घर पे भी इसे बुनना चाह रहे हो तो बहुत ही आराम से वीडियो देख देख कर इसे बुन सकते हो। तो ये देखिए सभी नॉट को यहाँ तक मैं इसे बुन लेती हूँ। ये देखिए सभी व्हाइट रो यहाँ पर एक हो चुके हैं। हम फिर से ऊपर से नीचे की तरफ बुनते हुए आऊँगी। ये देखिए नीचे से ऊपर बुनी मैंने व्हाइट रो पूरी और फिर से नीचे आई मैं, नीचे से फिर से मैंने क्या किया, दो व्हाइट नॉट जो है छोड़ दिए और पीछे की साइड में फिर से हमने क्या किया, एक जो रेड कलर का धागा है उसे हमने ज्वाइन किया। जिस तरह ग्रीन का ज्वाइन किया था सेम उसी तरह से रेड का भी ज्वाइन किया। और जिस तरह ग्रीन के हमने 12 नॉट लिए थे सेम उसी तरह से हमने क्या करना है, रेड के भी 12 नॉट यहाँ पर लेने हैं। और जिस तरह हमने ग्रीन की 3 रो कम्प्लीटली बुनी थी सेम उसी तरह से 3 रो इसकी भी बुननी है। और उसके बाद जो है जो ग्रीन वाली सेकेंड और थर्ड रो जो है वो अल्टरनेट हम करेंगे, यानी कि एक बार हम नीचे की तरफ जाएंगे तो 4 नॉट ऊपर की तरफ जाएंगे, फिर से एक नॉट नीचे की तरफ जाएंगे तो 4 नॉट ऊपर की तरफ, उसी तरह से ये रेड भी कुछ हमने बुनना है। तो देखिए फिर से मैं ऊपर से नीचे बुनते हुए आई और सेम इसी तरह से एक नॉट अंदर की तरफ तो 4 नॉट बाहर की तरफ, जैसे कि ये दो रो बुनी है सेम उसी तरह से जो है रेड को भी हमने बुनना है। सेम इसी तरह से बुनते हुए हमें अब ऊपर की तरफ जाना है। तो मैं यह देखिए यहाँ पर मैंने हाफ कली बुन ली है सेम उसी तरह से। देखिए एक नॉट अंदर की तरफ तो 4 बाहर, एक नॉट अंदर की तरफ तो 4 नॉट बाहर। तो यहाँ तक मैं इसे बुनते हुए चली आई और ये देखिए यहाँ तक जो है हमारा दो दो करके नीचे से कुल नॉट छूटे हैं आधे तक। ये देखिए यहाँ तक जो कि दिखाई दे रहे हैं हमें, और इस तरह की ये कली हाफ जो कि दिखाई देगी। सेम ग्रीन की तरह ही बुना है मैंने, कुछ भी नहीं किया। तो ये देखिए दो दो करके हर बारी जितने हमने नॉट छोड़े थे तो यहाँ तक हमने छोड़े थे। अब हम क्या करेंगे, कली की सेकेंड
जो पार्ट है वो बुनना शुरू करेंगे। तो ये देखिए यहाँ तक हमारा गैप है, वहाँ गैप तक हमें इसे बुनना है। यानी कि हमने पहले क्या किया था, नीचे से दो दो नॉट करके छोड़े थे, अब हम सेकंड जो कली बना रहे हैं आगे की तरफ, उसी नॉट को हम दो दो करके नीचे की तरफ लेके जाएंगे। पहले नीचे से छोड़े थे, अब ऊपर से लेते हैं, नीचे की तरफ जाएंगे, ये ध्यान में रखिएगा। अब ये देखिए फिर से मैंने क्या किया, वाइट नॉट जो थे वाइट धागे से बुने, और रेड जो नॉट है रेड धागे से यहाँ पर बुन रही हूँ। ये देखिए और सभी नॉट को बुनते हुए हम नीचे की तरफ जाएंगे, जहाँ तक कि हमारा फर्स्ट गैप है। गैप गैप किसे कहते हैं, जहाँ से हमने धागे को पलटा है, यानी कि वहाँ पर हमारा गैप हो चुका था। ये देखिए यहाँ से मैंने पहले धागे को पलटा था, फिर से मैं यही से धागे को पलटूंगी, और बिल्कुल ही इसका अपोजिट करना है। उधर की साइड क्या किया था हमने, एक नॉट नीचे की तरफ किया था तो फोर नॉट बढ़ाए थे, इधर की साइड बिल्कुल ही अपोजिट करेंगे, यानी कि फोर नॉट को हम नीचे की तरफ लाएंगे और एक नॉट को बढ़ाएंगे, बिल्कुल ही इसका अपोजिट करना है कली का, कुछ भी नहीं। और उसी तरह से है, ये देखिए लास्ट वाले जो फोर जो रेड कलर के नॉट थे उसे हमने वाइट में कन्वर्ट किया है। ये देखिए यानी कि फोर नॉट हमने लेस किए नीचे की तरफ बुने हैं। तो ये देखिए ये एक रो हो चुकी है हमारी इस तरह से बिल्कुल भी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक हमने बुना, अब दो नॉट और नीचे तक हम बुनते हुए चले आएंगे। और जैसे कि हमने इस वाली रो में क्या किया था, फोर नॉट नीचे की तरफ लिए थे, तो अब इस वाली रो में हम क्या करेंगे, एक नॉट ऊपर की तरफ कर लेंगे पीछे की साइड से। तो ये देखिए सभी वाइट वाले नॉट वाइट धागे से बुनेंगे और रेड वाले रेड धागे से बुन लेंगे। देखिए ये रेड धागे को हम आगे की तरफ कर लेंगे और रेड धागे नॉट जो है वो रेड धागे से ही बुनेंगे। सेम इसी तरह से बुनना है हमें। तो ये देखिए और ये दो नॉट और नीचे की तरफ कली को ले लेंगे, यानी कि यहाँ तक। अब ये इसे धागे को हम पलटेंगे और पीछे की तरफ जाते हैं। हम क्या करेंगे, अब एक जो नॉट है रेड वो हम बढ़ाएंगे, उधर की साइड क्या कर रहे थे हम घटा रहे थे, तो सेम ऑपोजिट साइड यहाँ पर यूज़ करनी है। तो ये देखिए ये सभी रेड नॉट मैंने यहाँ पर बुन लिए हैं, और ये देखिए ये लास्ट वाला जो व्हाइट है उसे हम रेड कलर के धागे से बुन लेंगे, यानी कि एक रेड कलर का नॉट मैंने यहाँ पर बढ़ा लिया है। आई होप आपको ये कली समझ में आई हो। अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और इसी तरह की मैंने और वीडियो बनाई है मेरे चैनल पर, अगर ये समझ में नहीं आई तो वो जाके देख लीजिएगा, ताकि आसानी हो कि दोनों में सेम ही है बुनाई, सिर्फ थोड़ा सा अंतर है। तो ये देखिए साइड में दिखाई दे रही है ये, तो ये वीडियो आप भी ज़रूर देख सकते हो। तो इसी तरह से क्या करना है, रेड कली नीचे की तरफ बुनते हुए लानी है। तो ये देखिए मैंने सेम उसी तरह से इसे बुना है और यहाँ तक मैं रेड कली को कंप्लीट कर चुकी हूँ। देखिए इस तरह से ही, जैसे कि फोर नॉट नीचे की तरफ और एक नॉट ऊपर की तरफ, इसी तरह करते हुए हम नीचे की तरफ आए हैं यहाँ पर, और पीछे की साइड में है हम। तो यहाँ से फिर से हम क्या करेंगे, अब वाइट धागे को नीचे की तरफ लाएंगे और ये सभी जितने भी रेड नॉट दिखाई दे रहे हैं हमें, अब हम क्या करेंगे उसे वाइट में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि एक रो उधर की साइड में वाइट में है, सेम उसी तरह से ये भी एक रो वाइट में हम बुन लेंगे। तो देखिए एक रो मैंने फुल मिलाकर वाइट में बुन ली है, नीचे से ऊपर की तरफ बुनते हुए आई और ऊपर से फिर से नीचे की तरफ बुनते हुए आई। अब फिर से हम क्या करेंगे, पीछे की साइड में है हम, ये देखिए यहाँ पर, और फिर से हम क्या करेंगे, अब यहाँ से ग्रीन धागे को ज्वाइन करेंगे और फिर से इसी तरह से जैसे कि हमने कली को नीचे की तरफ लाया था, ग्रीन धागे को भी लूज को भी उसी तरह से नीचे की तरफ लाएंगे। यानी कि फोर नॉट अगर बढ़ाए हैं तो हम उसे घटाएंगे इस बारी, और एक नॉट उधर की साइड हमने घटाया था तो इधर की साइड बढ़ाएंगे। तो ये देखिए पीछे से हम फिर से क्या करेंगे, 10 ग्रीन कलर के नॉट यहाँ पर लगा लेंगे। तो ये देखिए 10 ग्रीन कलर के नॉट यहाँ पर लगाएंगे और बाकी सब वाइट में ही रखेंगे, क्योंकि दो नॉट नीचे की तरफ है हमारे 12 नॉट थे, तो यहाँ पर 10 ही नॉट हमने लेने हैं।
ये देखिए इस तरह से। अब अंदाज़ा भी लगा सकते हो कि ये सेम सेम दिखाई दे रहा है या नहीं। फिर से हम बुनते हुए नीचे की तरफ इसी तरह से आएंगे, 4 नॉट नीचे की तरफ, 1 नॉट बढ़ाते हुए, और इसी तरह से फिर से एक वाइट कलर की रो यहाँ पर भी बुन लेंगे। तो मैं इसे बुन लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने कली को पूरी तरह से बुन के रेडी कर लिया है। तो इस तरह की ये कली दिखाई देगी हमें। तो कुछ भी नहीं, सेम जैसे कि बना मैंने बताया है, सेम उसी तरह से ही इसे बुनना है। और ये देखिए ये 1 2 3 और 1 2 3 नीचे की तरफ, यानी कि इधर के और इधर के लीव्स जो है पेटल्स वो सेम होने चाहिए। यानी कि इधर की साइड रो ऊपर गई है तो उधर की साइड भी ऊपर ही होनी चाहिए, नीचे आई है तो नीचे ही आनी चाहिए। तो सिर्फ ये भी आप देख सकते हो कि इधर की साइड 3 ग्रीन कलर के पेटल्स है तो उधर की साइड भी 3 होने ही चाहिए। इधर की साइड अगर 2 2 है रेड वाले तो उधर की साइड में भी 2 ही होने चाहिए। तो इसी तरह को हम कली को कली जोड़ेंगे। सिर्फ रेड के बजाय मैंने क्या किया है, ग्रीन येलो कलर का धागा यूज़ किया है। कली की बुनाई सेम उसी तरह से है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से इसकी एंडिंग करेंगे। 2 नॉट लेंगे, उसे 1 बना देंगे, बुना नॉट आगे की स्टिक में डालेंगे, फिर से 2 को 1 बना देंगे, आगे की स्टिक में डालना, फिर से 2 को 1 बना देंगे। तो इस तरह से हम इसकी एंडिंग करते हैं। तो लास्ट तक हमें इसी तरह से बुनना है। तो इसी तरह से हम ये डोर मैट को जो है कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ तक मैं इसे बुन लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे बुन लिया है। अब हम इसे धागे को कट करके इस तरह से नॉट लगा लेंगे। सभी धागे को कट करके आपको नॉट लगा लेना है। और इस तरह से आप चाहे तो उल के धागे से भी इसे सी सकते हो। इस तरह से इसे सी लेना है, इस वाले डोर मैट को इस तरह से। और ये हमारा डोर मैट बिल्कुल ही कंप्लीट हो जाएगा।